प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश अवार्ड आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम अष्टांग योग के अंतिम 8वें आयाम समाधि के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अष्टांग योग अन्य योगों से भिन्न है। वजह यह है कि यह एक शारीरिक योग नहीं बल्कि एक तरह की कर्म साधना है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस साधना को सिद्ध कर ले वो जीवन के असल सार को समझ लेता है। महर्षि पतंजलि ने योग को मन की चंचलता को स्थिर करने की प्राचीनतम विद्या कहा है। योग सूत्र में उन्होंने मानव के पूर्ण कल्याण के अलावा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों के अष्टांग योग का वर्णन किया है। यह 8 अंग है: 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5 प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान तथा 8 समाधि है। समाधि अष्टांग योग का सबसे अंतिम और 8वां आयाम है। आत्मा से जुड़ना अर्थात ध्यान की परम अवस्था में एक योगी समाधि धारण करने की योग्यता रखता है। महर्षि पतंजलि जी ने इसे परम चैतन्य की अवस्था कहा है। समाधि समयातीत है, जिसे मोक्ष कहा जाता है। इस मोक्ष को ही जैन धर्म में कैवल्य ज्ञान और बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। योग में इसे समाधि कहा गया है। इसके कई स्तर होते हैं। मोक्ष एक ऐसी दशा है जिसे मनोदशा नहीं कह सकते। समाधि योग का सबसे अंतिम पड़ाव है। समाधि की प्राप्ति तब होती है जब व्यक्ति सभी योग साधनाओं को करने के बाद मन को बाहरी वस्तुओं से हटाकर निरंतर ध्यान करते हुए ध्यान में लीन होने लगता है। जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है उसे स्पर्श, रस, गंध, रूप एवं शब्द इन 5 विषयों की इच्छा नहीं रहती तथा उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मान अपमान तथा सुख दुख आदि किसी की अनुभूति नहीं होती, ऐसा व्यक्ति शक्ति संपन्न बनकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। उसके जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। मोक्ष या समाधि का अर्थ अणु परमाणुओं से मुक्त साक्षित्व पुरुष हो जाना, तटस्थ या स्थित प्रज्ञ अर्थात परम स्थिर, परम जागृत हो जाना, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का भेद मिट जाना, इसी में परम शक्तिशाली होने का बोध छुपा है। जहाँ न भूख है, न प्यास, न सुख, न दुख, न अंधकार, न प्रकाश, न जन्म है, न मरण और न किसी का प्रभाव, हर तरह के बंधन से मुक्ति है। समाधि की मुख्य 4 अवस्थाएं होती है। जैसे 1 विचारानुगम समाधि। इस अवस्था में विचार में सभी अनुभव आ जाते हैं। जो भी तुम ध्यान के दौरान देखने, सुनने आदि का अनुभव करते हो वो सभी विचारानुगम समाधि है। विचारों के सभी अनुभव और विचारों के आवागमन को देखना सभी इसी में आते हैं। इस समाधि में विचारों की 2 अवस्थाएं हो सकती है। पहले तरह के विचार तुम्हें परेशान करते हैं, दूसरी तरह के विचार तुम्हें परेशान नहीं करते हैं परंतु तुम्हारी चेतना में घूमते रहते हैं और तुम उनके लिए सजग भी होते हो। तुम समाधि में होते हो, समता में होते हो, पर उसी समय विचार भी आते जाते रहते हैं। यह ध्यान का हिस्सा है। विचार और अनुभव बने रहते हैं, यह विचारानुगम समाधि है। 2 आनंदानुगम समाधि। आनंदानुगम समाधि अर्थात आनंद की अवस्था। जैसे कभी तुम सुदर्शन क्रिया करके उठते हो या सत्संग में भजन गाते हुए आनंदित हो उठते हो, तब मन एक अलग आनंद की अवस्था में होता है। ऐसे में चेतना उठी हुई होती है पर आनंद होता है। ध्यान की ऐसी आनंदपूर्ण अवस्था आनंदानुगम समाधि है। 3 वितरकानुगम समाधि। आनंद में जो समाधि रहती है वो आनंदानुगम समाधि है। यह समाधि की 3री अवस्था है। यह भी एक ध्यानस्थ अवस्था है। ऐसे ही विचारानुगम समाधि में तुम कुछ आते जाते अनुभव, भावों और विचारों के साथ होते हो। जब तुम एक अकाट्य वितर्क के साथ समाधिस्थ होते हो तब वह वितरकानुगम समाधि है। 4 अस्मितानुगम समाधि। समाधि की 4थी अवस्था है अस्मितानुगम समाधि। यह ध्यान की बहुत गहरी अवस्था है। इसमें तुम्हें कुछ पता नहीं रहता है, केवल अपने होने का भान रहता है। तुम्हें बस यह पता होता है कि तुम हो, पर यह नहीं पता होता कि तुम क्या हो, कहाँ हो, कौन हो। केवल स्वयं के होने का भान रहता है, अस्मिता मैं हूँ, इसके अलावा कुछ और नहीं पता होता है। यह समाधि की 4थी अवस्था है। इन 4 समाधि की अवस्थाओं को संप्रज्ञाता कहते हैं, अर्थात इन सभी में चेतना का प्रवाह होता है, जागरूकता का प्रवाह होता है। दोस्तों, इस तरह से हमने अष्टांग योग के 8वें और अंतिम आयाम समाधि के बारे में विशेष जानकारी ली है और इसके साथ हमारा अष्टांग योग का विशेष सत्र समाप्त हो जाता है। ज्ञान तो अथांग सागर है, हमने तो केवल घाघर में सागर भरने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।